हेलो स्टूडेंट मैं पवन भमूरिया उड़ान डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे इसमें तीन नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे हमको एग्ज़ाम में और पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं संकुल सी ओ अमोनिया सिक्स सी एल थ्री से विलियन में कितने आयन उत्पन्न होंगे हाउ मेनी आयन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स CO अमोनिया सिक्स सी एल थ्री तो CO अमोनिया सिक्स सी एल थ्री जो है जब इसको हम सॉल्यूशन में डिजोल्व करेंगे तो एक तो हमको आयन मिलेगा CO अमोनिया सिक्स थ्री पॉजिटिव आयन और थ्री सी एल माइनस आयन तो टोटल नंबर ऑफ आयन जो है कुल आयनों की संख्या चार होगी क्योंकि एक तो ये कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा और तीन नॉर्मल आयन मिलेंगे सी एल माइनस तो टोटल आयन कितने हो गए चार नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एन आई सीओ फोर का आई यू पी एस सी नाम क्या है तो NICO4 जो है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका आयु पी एस सी नाम तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं निकिल जो है सेंट्रल एटम है केंद्रीय धातु परमाणु है उसका ऑक्सीडेशन नंबर एक्स सी ओ जो है वो फोर है तो फोर इंटू सीओ का ऑक्सीडेशन नंबर यह चार्ज और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा जब हम क्या करेंगे सी ओ जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है उदासीन लिगेंड है तो उस पर आवेश जीरो होता है और यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू जीरो मिल जाएगी मतलब एन आई का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ज़ीरो है अब इसका नाम बोलना है फोर के लिए हम यूज़ करते हैं टेट्रा दो के लिए डाई तीन के लिए ट्राई तो टू के लिए डाई यूज़ करेंगे थ्री के लिए ट्राई यूज़ करेंगे और फोर के लिए टेट्रा यूज़ करेंगे सी ओ जो है उसको कार्बोनिल बोलते हैं निकिल ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है न्यूट्रल है तो निकिल यूज किया जाएगा और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल जीरो ऐसा मुझे ये दिख रहा है टेट्रा कार्बोनिल निकिल जीरो सी ऑप्शन सही है इसका टेट्रा कार्बोनिल निकिल जीरो तो सी जो है वो उसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सीओ अमोनिया फाइव बी आर फोर एंड सीओ अमोनिया फाइव एसो फोर बी आर इनमें कौन सा आइसोमेराज आइसोमराइजेशन है ये कौन से आइसोमर्स है ये बोल सकते हैं तो आइसोमर्स अगर हम देखें तो यहां पर ये यह आयनिक फील्ड है इसमें आयनिक फील्ड में सल्फेट आयन है और यहाँ ब्रोमाइड आयन है तो आयनिक फील्ड जो है उसमें डिफरेंस है तो इस टाइप का जो आइसोमेरिज्म है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आयन समायता है क्योंकि इनके आयनन से अलग अलग आयंस मिलेंगे तो अगर हमारे जो संकुल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके आयन से आयनाइजेशन से अलग अलग डिफरेंट टाइप के आयंस मिलते हैं लेकिन इनका मॉलिकुलर फार्मूला अगर सेम है तो ये एक दूसरे के आयनाइजेशन आइसोमर्स होते नेक्स्ट क्वेश्चन केफोर में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आपको दिख रहा है कि पोटेशियम कितने हैं फोर पोटेशियम है तो फोर इंटू पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर याद करना है मतलब निकालना है फाइंड करना है और सी एन जो है सिक्स है तो सिक्स इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी एन और यहां आ जाएगा जीरो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर वन होता है एक्स सी एन जो है वो साइनाइड है और उस पर माइनस वन चार्ज होता है इज इक्वल टू जीरो होगा फोर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरोक्वल टू जीरो नंबर ऑफ आयरन इन के फोर एफ सी एन सिक्स इज टू तो यहां पर राइट आंसर टू होगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं के CO4 फोर में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है ये कोबाल्ट है और ये कार्बोनिल है तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है कोबाल्ट का तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा तो देखते हैं हम क्या होगा इजीली फाइंड कर सकते हैं के का ऑक्सीडेशन नंबर वन वन इंटू के कोबाल्ट का एक्स फाइंड कर फाइंड करना है इसलिए एक्स और फोर इंटू सी ओ इज इक्वल टू क्या होगा जीरो यहाँ आ जाएगा वन प्लस एक्स प्लस फोर इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो आएगा तो एक्स इज इक्वल टू तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा माइनस वन ऋण का आएगा तो इजीली फाइंड कर सकते हैं ये तो नेक्स्ट है कॉपर की समन्वय संख्या क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मोनोडेंटेड लिगेंड का नंबर तो मोनोडेंटेड लिगेंड जो है यहां पर कितने फोर है तो फोर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो वो वही क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा सी एन होगा तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होगा तो राइट आंसर ए होगा नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन है प्रबल लिगेंड कौन है तो प्रबल लिगेंड कौन है यहां पर आपको सिलेक्ट करना है कौन प्रबल लिगेंड है तो प्रबल लिगेंड तो और दुर्बल लिगेंड की कहानी यह है कि प्रबल लिगेंड क्या कराते युग्मन करा देते हो. तो सी एन और सीओ जो है उनको प्रबल लिगेंड माना गया है तो यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड जो है वो सी एन माइनस साइनाइड होगा नेक्स्ट जो है ये तो आंसर है है नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो है फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पहला है प्रस्फुटन रोधी कार्बधात्विक यौगिक का फार्मूला लिखिए द फार्मूला ऑफ एंटी नॉकिंग आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तो एंटी नॉकिंग आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो है टेट्रा एथिलेड एंड टेट्रा मैथिलेड And TML. आपको फार्मूला बोला, बोला, बोला है तो टू एच फाइव फोर टाइम्स तो या, तो या फिर सी एच थ्री फोर और आ जाएगा पीबी तो ये भी और ये भी दोनों जो है आर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होते हैं और कैसे होते हैं एंटीनोकिंग होते हैं प्रस्फुटन रोधी इनका प्रयोग किया जाता है प्रस्फुटन आवाज क्रैकिंग को रोकने में नेक्स्ट है क्रैकिंग में जो आवाज उत्पन्न होती है साउंड प्रोड्यूस होता है उसको कम करने में इलेक्ट्रॉन दाता क्या कहलाता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज कॉल्ड लिगेंड तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम क्या बोलेंगे लिगेंड बोलते हैं हिंदी में संलग्नी बोलते हैं क्या बोलते हैं संलग्नी या आप हिंदी में भी यूज कर सकते हैं लिगेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन संलग्नी और धातु आयन के मध्य कौन सा बंध बनता है एक्चुअली में जो बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन लिगेंड एंड मेटल आयन तो उसमें क्या होता है कि जो मेट हमारा लिगेंड होता है वो लोन पेयर डोनेट करता है और वो डोनेट किया हुआ लोन पेयर कौन एक्सेप्ट करता है मेटल आयन तो जब भी लोन पेयर डोनेट किया जाता है तो जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो यहां पर आएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हिंदी में हम बोलेंगे उप सह संयोजी बंध बनेगा कौन सा बंध बनेगा उप सह संयोजी तो उप संयोजी बंध यहां पर बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट है के टू पीटी सी एल सिक्स में पी टी की समन्वय संख्या क्या है तो बेटा पी टी की समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने ये सेंट्रल एटम या मोनोडेंटेड लिगेंड के जित जितने मोनोडेंटेड लिगेंड से बॉन्डिंग करता है एक्चुअल में वो बॉन्ड बनाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का नंबर होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहाँ पी टी जो है सिक्स सी एल से बॉन्डिंग कर रहा है और ये जो सी एल है ये मोनोडेंटेड है तो मोनोडेंटेड लिगेंड कितने नंबर है मोनोडेंटेड का वो भी बोल सकते हैं या फिर कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करता है वो भी होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहां पर आंसर सिक्स होगा क्योंकि सीएल का जो नंबर है वो कितना है सिक्स है मोनोडेंटेड लिगेंड का नंबर सिक्स है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी सिक्स होगा इडीटीए क्या है तो ईडीटीए इज अग्जा डेंटेड लिगेंड हेग्जा डेंटेड लिगेंड तो लिगेंड तो है षष्ट दंतुर लिगेंड है षष्ट दंतुर याद रखेंगे ईडीटीए षष्ट दंतुर लिगेंड है नेक्स्ट क्वेश्चन पानी में कॉम्प्लेक्स हमने डिसॉल्व किया वाटर में सीओ अमोनिया फॉर सीएल2 सीएल आप इसको जैसे ही डिसॉल्व करेंगे इसका आयनाइजेशन होगा आपसे पूछा ये कितने आयन देगा तो ये कितने आयन देगा अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि एक तो हमको इससे कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा और वो कॉम्प्लेक्स आयन क्या मिलेगा ये कॉम्प्लेक्स आयन होगा एक आयन ये रहेगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और साथ में एक सी एल माइनस रहेगा यहाँ पर एक सी एल है तो एक सी एल रहेगा और बाकी ये कॉम्प्लेक्स तो सिंगल आयन ये हो गया पॉजिटिव और सिंगल नेगेटिव तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने मिलेंगे टू मिलेंगे तो कुल आयनों की संख्या दो होगी नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर न्यूट्रल लिगेंड जिससे साल्ट टी आई एच टू सिक्स थ्री पॉजिटिव लिगेंड एंड क्लोरोफिल अब सबसे आसानी से हम मेज करते इसको न्यूट्रल लिगेंड की बात की है तो न्यूट्रल लिगेंड ये है CO कार्बोनिल तो फर्स्ट हो जाएगा न्यूट्रल लिगेंड CO क्लोरोफिल जो होता है उसमें मैग्नीशियम मेटल होता है तो क्लोरोफिल में क्या होगा मैग्नीशियम मेटल क्लोरोफिल इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नेशियम मेटल ऐसे जैसे कि हमारा ब्लड जो है वो आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है विटामिन बी ट्वेल्व कोबाल का होता है वैसे क्लोरोफिल मैग्नेशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है लिगेंड की बात करें तो इसमें अगर लिगेंड देखे तो लिगेंड के फॉर्म में हम किसका यूज करते हैं जल का यूज करते हैं एच टू ओ एक्वा बोलते हैं हम ठीक है उदासीन लिगेंड कौन होगा तो उदासीन लिगेंड के रूप में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं उदासीन लिगेंड के रूप में कार्बोनिल ग्रुप का प्रयोग करते हैं फिर हमने बोला क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल जो है उस क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है लिगेंड जो है वो कौन है तो लिगेंड के रूप में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं एक्वा एस्टो का प्रयोग कर सकते हैं जैसे सॉल्ट का फार्मूला ये होता है मैं इसको क्लियर लिखूँ के पी टी सी एल थ्री यहाँ पर आता ईटा सी टू एच फोर ये जैसे सॉल्ट जिससे सॉल्ट का क्या है ये फार्मूला है ये फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है हमारा और लास्ट है टी आई एच टू सिक्स थ्री पॉजिटिव तो इसका कलर कैसा होगा तो इसका कलर आपसे पूछा है तो कलर इसका कैसा होगा पैल येलो होगा तो यहाँ पर आ जाएगा टी आई एच टू सिक्स थ्री पॉजिटिव पैल येलो तो आसानी से मैच दो कॉलम मैच हो सकता था नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक शब्द में उत्तर दीजिए सीओ अमोनिया बी आर एसओ फोर तथा सीओ अमोनिया एसओ फोर बी आर में किस प्रकार के समावाई तो अभी बताया था मैंने इनका जब आयनाइजेशन होगा इसमें से कुछ बी आर जो है वो कट गया है जब इसका आयनाइजेशन होगा तो इससे सल्फेट आयन मिलेगा और इससे ब्रोमाइड आयन मिलेगा तो दोनों के आयनाइजेशन से डिफरेंट आयन मिल रहा है तो ये एक दूसरे के आयनन समावी है कौन से समावैवी है आयनन हम इनको बोल सकते आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म नेक्स्ट ऐसे उदासीन अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपस बंध बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं तो बेटा हमने पढ़ा है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर आय विच फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम्स आर कॉल्ड लिगेंट्स तो ये डेफिनेशन है एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टू मार्क्स की आ सकती है तो ये किसकी डेफिनेशन है लिगेंट्स की तो लिगेंट जो होते हैं वो न्यूट्रल हो सकते हैं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं और वो क्या करते बॉन्ड बनाते, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसके साथ सेंट्रल मेटल एडम के साथ तो जो भी बॉन्ड बनाता है उसको हम क्या बोलेंगे उसको लिगेंड बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते किस प्रकार का लिगेंड है ईडीटीए अभी बताया था मैंने हेग्जा डेंटेड होता है हेक्सा डेंटेड सस्ट दंतु लिगेंड होता है सस्ट दंतुर क्योंकि ये एक अकेला एडीटी है जो है वो सिक्स लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो सस्टूर होता है और याद रखेंगे इस पर जो चार्ज होता है माइनस फोर होता है पिछले साल शायद इसका स्ट्रक्चर आया था नेक्स्ट है राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन एफ सॉरी एफ ई सी एन थ्री माइनस एफी सी एन सिक्स थ्री माइनस में आपको एफी का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है कुछ नहीं करना एफ को एजूम कर लीजिए सिक्स सी एन है तो सिक्स इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी एन माइनस वन होता है और इज इक्वल टू माइनस थ्री क्योंकि चार्ज कितना है माइनस थ्री बस वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स प्लस सिक्स इंटू माइनस वन सी एन पर माइनस वन चार्ज होता है माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री ये माइनस सिक्स होगा उधर जाएगा प्लस सिक्स तो यहां पर आ जाएगा प्लस थ्री तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन कितना होगा प्लस थ्री होगा इन इन एफ सी एन सिक्स थ्री माइनस आयन में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं किस प्रकार के संकुल के आयुपीएससी नामकरण में एट शब्द लगाते हैं तो अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स एनोयनिक है एनोयनिक एनोयनिक है एनोइनिक कॉम्प्लेक्स अगर है एनॉइनिक को हिंदी में बोलते हैं ऋण आयन ऋणावेश अगर ऋणावेश संकुल है तो ऋणावेश संकुल के नाम के अंत में हम क्या लगाएंगे हम लगाएंगे एट कार्ब धात्विक योगिक प्रकृति में पाए जाते हैं क्या आपसे पूछा है तो क्या प्रकृति में आर्गेनोमेटलिक कंपाउंड मिलते हैं तो हमारा आंसर होगा होगा यस या नो तो नो होगा नहीं मिलते हैं, हम इनको बनाते हैं ठीक है तो आज का ये हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर बेस्ड जो टॉपिक है वो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखें और उनका ऑब्जेक्टिव में कुछ ना कुछ फायदा हो थैंक यू